हाय दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूँ भूपेंद्र सिंह। आज आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ, ये जो फोर्ट है बहुत ही हॉन्टेड है। टूर करते हैं चीज़ों को अच्छे से, फोर्ट के अंदर क्या क्या है। देख सकते हैं उस समय का, पूरा काला है। इस फोर्ट में कभी किसी समय पर आग लग गई थी और यहाँ लोग काफी जल के मर गए थे। ये देखें जितने भी आले हैं उस समय, और लोगों ने किले हुए क्या क्या लिख के रखा है, ये नहीं लिखना चाहिए भाई जिसको भी ये आता है। ठीक है, ये ऊपर जाने का रास्ता है, हम जाएंगे इसमें ऊपर कभी। चमकादड़ बहुत है यहाँ पर, तो एक्सप्लोर करेंगे चीजों को कि सच में यहाँ पे किसी की प्रेजेंस है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी एक सेंसर लाइट यहाँ पे लगाता हूँ, कि मैं सेंसर लाइट रखी है एक। यहाँ पे मैंने अभी दो सेंसर लाइट लगाई हुई है, एक सेंसर लाइट ये है व्हाइट कलर की, एक सेंसर लाइट ये है। यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव फील हुई है। ठीक है दोस्तों, अभी हम चेक करेंगे सच में कोई है या नहीं है, पर चमका तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगर कोई यहाँ पे हुआ तो चीज़ का मैं जरूर पता चलेगा। क्या यहाँ पे कोई है? जैसे हम इस रूम के अंदर घुसे थे, जैसे हमको फील हुआ था, क्या कोई यहाँ पे है? अगर है तो दोनों लाइट पास आके वो बताए। क्या कोई यहाँ पे है? ठीक है ठीक है, बंद। ठीक है ठीक है, दूर जाइए, समझ गया मैं, दूर जाइए इससे। आप देख सकते हो तो कोई यहाँ पे है, लाइट से दूर जाइए, आप इस लाइट से दूर जाइए जहाँ पे सच में दोस्तों कोई है। यहाँ पे हम जैसे इस रूम के अंदर घुसे थे, हमको जैसे किसी का एकदम धक्का जैसा हमको लगा था, हमको यहाँ पर सच में कोई है, यहाँ पर है, किसी की प्रेजेंस में फील हो रही है। ठीक है, हमको प्रूफ भी दिया। क्या बता सकते हैं ये जो महल है श्री कृष्ण भगवान के जमाने का है? क्या कृष्ण भगवान के जमाने से है या कोई और है यहाँ पे? क्या बता सकते हैं भैया? क्या आप हमें बता सकते हैं कौन से, अब 322वीं सदी के हैं या आप इसी सदी के हैं? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी सदी के आप हैं? ये इससे थोड़ा दूर जाइए, इससे थोड़ा दूर जाइए आप। क्या आप इस लाइट के पास आ सकते हैं? इससे दूर जाइए आप। क्या आप इस लाइट के पास आ सकते हैं? दूसरी जो लाइट रखी हुई है, क्या आप इसको जला के दिखा सकते हैं जो लाइट रखी है? दिखा सकते हैं जला के? ठीक है, दूर, इससे दूर चले जाइए एकदम, इससे दूर जाइए आप। ये दोस्तों इस लाइट को भी जला सकते हैं, इसकी आवाज। यहाँ दोस्तों रूम में कोई नहीं है, फिर भी आपको कैमरे कैप्चर हुआ होगा या पता नहीं, पर यहाँ सच में किसी की आवाज आ रही है। किसी बच्चे जैसी आवाज आ रही है। सच में दोस्तों यहाँ कोई है? किसी बच्चे जैसी आवाज आ रही है, इसी रूम से आ रही है। अभी आवाज आना बंद हो गया। क्या मुझे इस रूम में कुछ और मूवमेंट करके दिखा सकते हैं, जैसे पत्थरों का हिलना, कुछ और करना? देखा दोस्तों किसी ने, भाई हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अचानक से कुछ एक्टिविटीज यहाँ ज्यादा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से,
मैं आपको और जगह दोस्तों एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सच में कुछ आवाज़ें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको लाइट को ले रहा हूँ। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि कभी बच्चे जैसी आवाज़ यहाँ पे आ रही है, कभी किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही है, और मुझे फिलहाल इस रूम से निकल जाना चाहिए। और आपको ये दिन का समय है, और जो हम जिस किले के अंदर आए हैं ना, ये बहुत ही पुराना, मतलब 322वीं सदी का फोर्ट है ये, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, इस किले के अंदर ना बहुत सारे ऐसे रूम्स हैं जो आपको दिखाऊँ। देखिए ये 322वीं सदी का बना हुआ फोर्ट है दोस्तों, आज भी इसको देखकर ऐसा लगता है। ज्यादा कह रहे हैं, देख सकते हैं। दोस्तों दिन में ये इतना हॉन्टेड लग रहा है ना, तो रात के समय तो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड होगा। रात को इसको एक्सप्लोर करना इतना मुश्किल है, क्योंकि की सबसे बड़ी स्टेयर फॉरवर्ड चढ़ाई करके आना बहुत मुश्किल है। रात को जानमान का खतरा हो रहता है यहाँ पे हर समय। तांत्रिक अघोरी जैसे कुछ यहाँ पर रहते हैं उनके लोग पहले, जिसको देख के ऐसा लगता है ऊपर जाने का रास्ता है, हम उसमें ऊपर जाएंगे। दोस्तों यहाँ से मैं नहीं जा सकता, क्योंकि टूटने का डर है और इसमें जानवान का खतरा ज्यादा रहेगा। देख सकते पूरा ये फोर्ट की हालत कैसी है। दोस्तों इस फोर्ट को भी ऊपर से जाके दिखा देता, पर क्या है जाने के पास खाली कि यही रास्ता है, कि बाकी सब टूटे हुए हैं, ठीक है। और एक बार इधर से कोशिश करता हूँ, एक बार इधर से चलते एक बार देखते। इतना भयानक है, दिन में इतना भयानक है ये।
तो रात को कैसा हुआ है? एक्सप्लोर किया अच्छे से, मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी के बहुत ज़्यादा संकेत मुझे यहाँ पे मिले, किसी की स्प्रिट मुझे यहाँ पे दिखाई दी। और कैमरे में शायद रिकॉर्ड नहीं होगा, पर कैमरे में एक चीज़ वॉइस ज़रूर आपको रिकॉर्ड हुई होगी, कैमरे के अंदर आवाज़ ज़रूर आपको सुनाई देगी, मुझे क्लियरली सुनाई दी, तो कैमरे में ज़रूर रिकॉर्ड हुआ होगा इस चीज़ का। ये जो किला है बीच में, जो बहुत ही हॉन्टेड है, यहाँ पे दिन के समय इतना भयानक है, तो रात को तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा कह सकता हूँ। रात को कोशिश करूंगा इसको भी एक्सप्लोर करने के लिए, पर इसमें जान मान का बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 500 मीटर स्ट्रेट फॉरवर्ड चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, वो भी एक पहाड़ी पर चढ़ना होता है। ठीक है, ये जो किला देख रहे हैं आप, पूरा काला जल जल चुका है पूरा, इसमें आग लगी थी, बहुत सारे लोगों को यहाँ डेथ हुई थी उस वजह से। दोस्तों ये किला बहुत ही हॉन्टेड माना जाता है किला। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और उनको दिखाएं इस पैलेस को, आके आप भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर आप सिंगल आइएगा, किसी लेडी या बुजुर्ग को मत लेकर आइएगा, इस जगह बहुत ही भयानक है, डरावनी। दोस्तों यहाँ की जो झाड़ियाँ हैं देख सकते हैं, सारे पत्ते यहाँ के सूख चुके हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है झाड़ियों पर। इस किले के अंदर जितनी भी झाड़ियाँ हैं सारे पेड़ सूख चुके हैं, एक भी पेड़ पे आपको कोई भी पत्ता नहीं दिखाई देगा, इतनी भयानक से पेड़ दिखते हैं ये पूरा इधर से देखिए, एक भी पेड़ पे एक भी झाड़ नहीं, सब सारे सारे सूख गए हैं। ये जो पूरा किला है पूरा जर्जर हो चुका है। दोस्तों आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, इससे भी ज़्यादा हॉन्टेड जगह होगी, लोकेशन होगी अच्छी। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आपको और भी अच्छी तरह से इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।